95% जीते हुए मुकाबले को ऐसे हारी। आखिरी ओवर में सनराइज हैदराबाद एक गलती पड़ी बारी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल धाकड़ क्रिकेट में। आईपीएल 2023 का एक और बेहद रोमांचक मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइज हैदराबाद के बीच खेला गया। इस मुकाबले में 19वें ओवर तक बेहद ही शानदार तरीके से इस मुकाबले को पूरी तरह से अपने नाम कर चुकी थी सनराइज हैदराबाद, लेकिन 20वें ओवर में हुई एक गलती ने इस मुकाबले में हैदराबाद के हाथ से जीत छीन ली। तो दोस्तों, पूरा हाईलाइट बताएंगे हम आपको कि किस प्रकार से जीते हुए मुकाबले को एसआरएच हार गई। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप भी कोलकाता नाइट राइडर्स की इस बेहतरीन जीत से खुश है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और साथ ही साथ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चले दोस्तों, जानते हैं इस बेहद ही रोमांचक मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आज के इस मुकाबले के टॉस की। तो दोस्तों, आज के मुकाबले में सिक्का उछाला एडन मार्करम ने और गिरा नीतीश राणा के पक्ष में। राणा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। दोनों टीमें शानदार प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरी। जेसन रॉय और गुरबाज पारी की शुरुआत करने उतरे कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से, तो पहले ओवर की तीसरी गेंद पर बेहतरीन चौका लगाया जेसन रॉय ने। तो वहीं पर इसी ओवर की अगली गेंद पर उन्होंने एक और चौका मिडविकेट की तरफ खेलकर पहले ओवर में दो बेहतरीन चौके लगाए। लेकिन दूसरे ओवर की पहली गेंद पर मार्को येंसन ने चलता किया गुरबाज को। गुरबाज इस मुकाबले में खाता भी नहीं खोल पाए और गोल्डन डक पर ही आउट हो गए। वहीं पर इसके बाद दोस्तों वेंकटेश अय्यर आए, तो वेंकटेश अय्यर ने दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर एक बेहतरीन चौका लगाया। लेकिन दोस्तों, इसके बाद इसी ओवर की आखिरी गेंद पर मार्को येंसन ने उन्हें भी हेनरी क्लासेन के हाथों कैच कराकर पेवलियन भेजा, और दूसरे ओवर में दो बड़े झटके कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को लग गए। इस मुकाबले में वेंकटेश अय्यर चार गेंदों का सामना कर पाए और 7 रन बनाकर पेवलियन लौट गए। वहीं पर इसके बाद तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर बेहतरीन चौका देखने को मिला जेसन रॉय के बल्ले से। वहीं पर इसके बाद एक बार फिर जब चौथा ओवर डालने आए मार्को येंसन, तो उनकी पहली ही गेंद पर नीतीश राणा ने बेहतरीन शॉट खेला और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। एक लो फुलटॉस गेंद थी जिसके ऊपर उन्होंने शानदार चौका लगाया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों पांचवें ओवर की तीसरी गेंद पर कार्तिक त्यागी की गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा जेसन रॉय ने, और एक कमाल का चौका लगाया। लेकिन दोस्तों, इसी ओवर की चौथी गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे जेसन रॉय, लेकिन इस बार यहां पर बेहतरीन कैच लिया मयंक अग्रवाल ने और पेवलियन भेजा जेसन रॉय को। जेसन रॉय ने 19 गेंदों पर 20 रनों की पारी खेली। रॉय के आउट होने के बाद क्रीज पर उतरे रिंकू सिंह ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए पांचवें ओवर की आखिरी गेंद पर एक बेहतरीन चौके के साथ अपना खाता खोला। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों छठा ओवर डालने आए मार्को येंसन के ओवर में एक बार फिर से पहली गेंद पर नीतीश राणा ने बेहतरीन चौका लगाया, और दोनों बल्लेबाजों ने टीम के स्कोर को काफ़ी शानदार तरीके से आगे बढ़ाना शुरू किया। वहीं पर इसके बाद आठवें ओवर की दूसरी गेंद पर शानदार छक्का देखने को मिला नीतीश राणा के बल्ले से। कमाल की बल्लेबाजी रही राणा की। तो वहीं पर नौवें ओवर की चौथी गेंद पर भी रिंकू सिंह ने एक बेहतरीन चौका एडन मार्करम की गेंद पर लगाया। इस बार उन्होंने ओवर कवर गेंद को काफ़ी शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों मार्करम के ही ओवर की पाँचवीं गेंद पर भी एक और शानदार चौका इनके बल्ले से देखने को मिला। जबकि दोस्तों दसवां ओवर डालने आए कार्तिक त्यागी की दूसरी गेंद पर शानदार चौका, तो ओवर की तीसरी गेंद पर बेहतरीन छक्का नीतीश राणा के बल्ले से देखने को मिला। इस बार गेंद को उन्होंने बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसे ओवर की चौथी गेंद पर मिडविकेट की तरफ एक और शानदार छक्का जड़ा। लेकिन दोस्तों 12वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे नीतीश राणा, लेकिन इस बार बेहतरीन कैच पकड़ा एडन मार्करम ने, और मार्करम की ही गेंद पर मार्करम ने उन्हें कैच पकड़कर कोटिन बोल्ड करके पेवलियन भेजा। नीतीश राणा 42 रन बनाकर आउट हुए। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों आंद्रे रसल मैदान पर उतरे, तो उन्होंने मार्करम की पांचवी गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को मैक्सिमम के लिए भेज दिया। वहीं पर इसके बाद 13वां ओवर डालने आए मयंक मार्कंडे की दूसरी गेंद पर भी एक और शानदार छक्का लॉन्ग ऑन के ऊपर से लगाया आंद्रे रसल ने, और कमाल की फॉर्म दिखा रहे थे क्योंकि दो बड़े छक्के उनके बल्ले से देखने को मिल चुके थे। इसके बाद दोस्तों यहां पर एक और बेहतरीन चौका उन्होंने नटराजन की गेंद पर लगाया। 14वें ओवर की पांचवी गेंद को भी उन्होंने डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ से बाउंड्री लाइन के पार भेजा गेंद को। लेकिन इसके बाद 15वें ओवर की दूसरी गेंद पर आंद्रे रसल एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार नटराजन ने बेहतरीन कैच किया और मयंक मार्कंडे ने पेवलियन भेजा आंद्रे रसल को, जिन्होंने 15 गेंदों पर 24 रनों की पारी खेली। तो वहीं पर इसके बाद नए बल्लेबाज सुनील नारायण भी ज़्यादा देर तक
टिक नहीं पाए और 16वें ओवर की तीसरी गेंद पर मयंक अग्रवाल को कैच थमा बैठे। सुनील नारायण इस मुकाबले में 2 गेंदों पर सिर्फ 1 रन बनाकर पेवलियन लौटे। इसके बाद क्रीज पर उतरे शार्दुल ठाकुर ने आते ही बेहतरीन चौके के साथ अपना खाता खोला। गेंद को बिहाइंड स्क्वायर की तरफ उन्होंने फ्लिक के साथ चौका बटोरा। तो वहीं पर 17वें ओवर की 5वीं गेंद पर रिंकू सिंह के बल्ले से भी एक कमाल का छक्का देखने को मिला। इस बार उन्होंने गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार भेजा। लेकिन इसके बाद दोस्तों शार्दुल ठाकुर 18वें ओवर की तीसरी गेंद पर अब्दुल समद को अपना कैच थमा बैठे और इस मुकाबले में 6 गेंदों पर 8 रन बनाकर चलते बने। तो वहीं पर इसके बाद अनुकूल रॉय उतरे तो उन्होंने 19वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक शानदार चौका भुवनेश्वर कुमार की गेंद पर लगाया। तो वहीं पर इसे और की चौथी गेंद पर भी लॉन्ग ऑन की तरफ एक और शानदार चौका उनके बल्ले से देखने को मिला, यानी कि बैक टू बैक 2 चौके लगाए। लेकिन इसके बाद 20वें ओवर की दूसरी गेंद पर रिंकू सिंह 35 गेंदों पर 46 रन बनाकर पेवेलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद इस ओवर में एक और विकेट हर्षित राणा के रूप में रन आउट के रूप में गिरा और यहां पर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम 20 ओवर में 171 रन बना पाई। वहीं पर इसे 172 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी सनराइज हैदराबाद की तरफ से अभिषेक शर्मा और मयंक अग्रवाल ने पारी की शुरुआत की। तो पहले ओवर की पहली गेंद पर अभिषेक शर्मा के बल्ले से बेहतरीन चौका देखने को मिला ओवर कवर पॉइंट की तरफ, यानी कि शुरुआत काफ़ी शानदार हुई। इसके बाद दूसरे ओवर की दूसरी गेंद जो कि नो बॉल थी, जिस पर बेहतरीन चौका मयंक अग्रवाल के बल्ले से एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन की तरफ देखने को मिला। तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पर तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर बेहतरीन छक्का जड़ा मयंक अग्रवाल ने हर्षित राणा की गेंद पर और गेंद को डीप पॉइंट की तरफ 6 रनों के लिए भेज दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों तीसरे ओवर की 5वीं गेंद पर शानदार वापसी करते हुए हर्षित राणा ने पेवलियन भेजा मयंक अग्रवाल को। मयंक अग्रवाल एक बाउंसर गेंद पर कैच थमा बैठे गुरबाज को और 11 गेंदों पर 18 रन बनाकर पेवलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद राहुल त्रिपाठी यहाँ पर नए बल्लेबाज के तौर पर उतरे तो उन्होंने आते ही बेहतरीन चौका जड़ा। विकेट के पीछे कमाल का शॉट खेलते हुए उन्होंने चौका लगाया। लेकिन दोस्तों इसी बीच चौथे ओवर की 5वीं गेंद पर शार्दुल ठाकुर की गेंद पर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे अभिषेक शर्मा, लेकिन आंद्रे रसल के एक कमाल के कैच ने यहाँ पर अभिषेक शर्मा को भी पेवलियन भेज दिया। अभिषेक शर्मा 10 गेंदों पर 9 रन बनाकर आउट हुए। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर राहुल त्रिपाठी ने 6ठे ओवर की पहली गेंद पर आंद्रे रसल की गेंद को बेहतरीन तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा कवर पॉइंट की तरफ, लेकिन ये गेंद नो बॉल थी। इसके बाद पहली गेंद पर उन्होंने शानदार छक्का जड़ा, यानी कि फ्री हिट गेंद पर स्क्वायर लेग की तरफ बेहतरीन छक्का लगाया। तो वहीं पर 6ठे ओवर की दूसरी गेंद पर उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला, यानी कि आंद्रे रसल की 3 गेंदों पर वो 4-6-4 लगा चुके थे। लेकिन तीसरी गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार सीधे फील्डर वैभव अरोरा को कैच थमा बैठे और यहाँ पर राहुल त्रिपाठी आउट होकर पेवलियन लौटे। राहुल त्रिपाठी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 9 गेंदों पर 20 रन बनाकर वो भी पेवलियन लौट गए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नए बल्लेबाज हैरी ब्रुक आए, लेकिन हैरी ब्रुक इस मुकाबले में भी अपना खाता नहीं खोल पाए। हैरी ब्रुक को LBW आउट करके पेवलियन भेजा अनुकूल रॉय ने और वो 4 गेंदों पर 0 पर ही आउट हो गए। इसके बाद दोस्तों हेनरिक क्लासेन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 7वें ओवर की 5वीं गेंद पर बेहतरीन चौका लगाया डीप मिड विकेट की तरफ और अपना बेहतरीन तरीके से खाता खोला। तो वहीं पर इसके बाद 11वें ओवर की पहली गेंद पर उनके बल्ले से बेहतरीन छक्का देखने को मिला अनुकूल रॉय की गेंद पर और 91 मीटर का मैक्सिमम उन्होंने लगाया। तो वहीं पर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर एक और शानदार छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला। इस बार तो ये छक्का काफ़ी बड़ा छक्का था, क्योंकि 101 मीटर दूर जाकर गेंद गिरी और इस ओवर में 2 बेहतरीन छक्के उनके बल्ले से देखने को मिले। इसके बाद दोस्तों 12वें ओवर की तीसरी गेंद पर एडन मार्करम के बल्ले से भी एक बेहतरीन चौका देखने को मिला। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला स्वीपर कवर की तरफ, यानी कि बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 चौके उन्होंने भी लगाए। इसके बाद दोस्तों दोनों बल्लेबाजों के बीच 50 रनों के पार नसीब 37 गेंदों पर पूरी हो गई। लेकिन इसके बाद यहां पर 13वें ओवर की आखिरी गेंद पर हर्षित राणा की गेंद पर एक और शानदार छक्का यहां पर देखने को मिला हेनरिक क्लासेन के बल्ले से। उन्होंने गेंद को फाइन लेग की तरफ बेहतरीन तरीके से छक्के के लिए भेजा। इसके बाद चौथी गेंद पर एडन मार्करम ने 14वें ओवर की चौथी गेंद पर एक और शानदार चौका लगाया। इस बार भी उन्होंने कमाल का शॉट खेला। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक और बड़ी सफलता 15वें ओवर की पहली गेंद पर मिली कोलकाता नाइट राइडर्स को। शार्दुल ठाकुर की गेंद पर क्लासेन बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन रसल को कैच थमा बैठे और 20 गेंदों पर 36 रन बनाकर आउट हुए।
इसके बाद 15वें ओवर की तीसरी गेंद पर मार्करम के बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। इसके बाद दोस्तों 17वें ओवर की पहली गेंद पर वैभव अरोरा की गेंद को बेहतरीन तरीके से एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के पार भेजा अब्दुल समद ने। लेकिन दोस्तों इसके बाद 17वें ओवर की पांचवी गेंद पर वैभव अरोरा ने सबसे बड़ी सफलता दिला दी कप्तान एडन मार्करम को रिंकू सिंह के हाथों कैच कराकर। काफ़ी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे लेकिन मार्करम 40 गेंदों पर 41 रन बनाकर आउट हुए। उनके आउट होने के बाद तो मुकाबला पूरी तरह से पलटता हुआ नजर आया क्योंकि इसके बाद यहाँ पर मार्को एंसन भी इस मुकाबले में ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए और 4 गेंदों पर 1 रन बनाकर आउट हो गए। और साथ ही DLS यहाँ पर भी मेथड भी चल रहा था क्योंकि बारिश होती हुई नजर आ रही थी। लेकिन इसी बीच यहाँ पर 19वें ओवर की दूसरी गेंद पर भुवनेश्वर कुमार के बल्ले से एक बेहतरीन चौका देखने को मिला। भुवी ने आते ही शानदार चौका लगाया और इस चौके ने यहाँ पर वापसी करवाई मुकाबले में। हालांकि बारिश तेज होती जा रही थी और इसी के चलते सनराइज हैदराबाद के बल्लेबाज थोड़ी धीमी बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे क्योंकि वो DLS के साथ चल रहे थे। लेकिन इसी बीच यहाँ पर 19वें ओवर की पांचवी गेंद जो कि नो बॉल थी इस पर अब्दुल समद के बल्ले से एक और चौका देखने को मिला। लेकिन अब मुकाबला आखिरी ओवर में आकर फंस चुका था। आखिरी ओवर में सनराइज हैदराबाद को जीत के लिए 6 गेंदों पर 9 रनों की जरूरत थी जबकि गेंदबाजी के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान नीतीश राणा ने चुना वरुण चक्रवर्ती को। वरुण चक्रवर्ती काफ़ी शानदार गेंदबाजी सब जानते हैं और हुआ भी कुछ ऐसा ही। 20वें ओवर की पहली गेंद पर अब्दुल समद उनकी गेंद पर सिर्फ एक ही रन ले पाए जबकि अब भुवनेश्वर कुमार के पास स्ट्राइक आ चुकी थी। लेकिन भुवनी ने भी दूसरी गेंद पर एक रन लेकर वापस स्ट्राइक अब्दुल समद को दे दी। अब 4 गेंदों पर 7 रनों की जरूरत थी सनराइज हैदराबाद की टीम को। लेकिन तभी तीसरी गेंद पर बड़ा शॉट खेलना चाह रहे थे अब्दुल समद लेकिन अब अनुकूल रॉय को केस थमा बैठे और सबसे बड़ी वह इस मुकाबले की महत्वपूर्ण सफलता दिला दी वरुण चक्रवर्ती ने। अब्दुल समद इस मुकाबले में 18 गेंदों पर 21 रन बनाकर पेवलियन लौटे। इसके बाद नए बल्लेबाज मयंक मार्कंडे उतरे तो चौथी गेंद पर स्टंपिंग की अपील जरूर हुई लेकिन वो नॉट आउट रहे। लेकिन एक डॉट गेंद यहाँ पर निकल गई। लेकिन इसके बाद दोस्तों 5वीं गेंद पर वो फिर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे लेकिन यहाँ पर सिर्फ सिंगल ही मिला। अब आखिरी गेंद पर मुकाबला जीतने के लिए 6 रन चाहिए थे लेकिन यहाँ पर वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर भुवनेश्वर कुमार कुछ खास नहीं कर पाए और यह भी डॉट रही और आखिरी ओवर में सिर्फ 3 रन देकर वरुण चक्रवर्ती ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 5 रनों से मुकाबला जिता दिया। लेकिन सनराइज हैदराबाद जो कि एक समय तक 30 गेंदों पर सिर्फ 38 रनों की जरूरत थी वहाँ से मुकाबला 5 रनों से हार गई। तो दोस्तों KKR की जीत का हीरो कौन रहा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।